सेठ का पूरा पैसा मैंने जब्त कर लिया है सर। सर पूरे 30 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए। हाँ जी सर। अरे सर इस बार ये पैसा देके मैं प्रमोशन तो लेके रहूंगा सर। हाँ जी सर, एक स्टार और बढ़वा दो सर, 20 के 40 कमा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ये मैं अभी थाने लेके आता हूँ सर। ए गटरू क्या कर रहा है बे, रसगुल्ला लाके देना। जी सर अभी लेके आता हूँ। जी सर मैं पैसा लेके बस निकल ही रहा हूँ थाने के लिए। ठीक है सर, ला रे। हाँ हाँ सर, ये लीजिए आपके रसगुल्ले, वो थोड़ा फ्रिज से निकालने में टाइम लग गया था। साले कहीं तू फ्रिज से मेरे रसगुल्ले निकाल के खा तो नहीं रहा था? एक बात याद रखना, मैंने फ्रिज में सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं। अगर तूने मेरे रसगुल्ले खाए होंगे ना साले, तो चमड़ी धे लूंगा मैं। गटरू तू मेरे यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, तुझे नहीं पता है क्या मैं बड़ा कंजूस दरोगा हूँ? मैं ना चाय भी पीता हूँ तो मुजरिम के पैसों से, समझा? तू ये रसगुल्ले खाने की भूल की गलती ना करना। पता है रसगुल्ले कहाँ से आए? पड़ोसी के यहाँ कार्यक्रम था, उसके यहाँ रसगुल्ले बचे थे, मैंने मंगवा लिए। अपने पैसे से तो मैं रसगुल्ला ना खाता। बड़े टेस्टी रसगुल्ले दिख रहे हैं, भूल के खाने की कोशिश मत करना, कंजूस दरोगा हूँ। हाँ मुझे पता है, इसीलिए ना तेरे रसगुल्ले में मैंने पिन डाल दी है। चल गटरू धौचट हो जा, मुझे रसगुल्ला खाने दे। अरे ये रसगुल्ले में पिन किसने डाल दी? आज तो मेरी जानी चली गई थी। गटरू इधर आ बे। जी दरोगा साहब अभी आया। हाँ जी दरोगा साहब, क्या हुआ? गटरू ये सब क्या है, ये रसगुल्ले में पिन कहाँ से आई? पता नहीं दरोगा साहब, ये पिन कहाँ से आई, लगता है उस हलवाई ने पिन डाल दी होगी। तो गटरू तुझे मैंने नौकर किस लिए रखा है, तू ये सब चेक करके नहीं दे सकता? मैंने चेक नहीं टेस्ट करके दिया है कंजूस दरोगा के बच्चे। दरोगा साहब मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं जा सकता हूँ? माँ की तबीयत खराब है, क्या खा रहा है, देख क्या रहा है, जा। रुक गटरू, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ रोशनी, तुमने गटरू को क्यों रुकवाया? उसको जाने दो, उसकी माँ की ना तबीयत खराब है। के माँ की कोई तबीयत नहीं खराब है, ये नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है? तो गटरू माँ के बारे में ऐसा नाटक क्यों करेगा? क्योंकि इसने आपके हवाला के पैसे चुराए हैं। क्या इसकी माँ की कोई तबीयत नहीं खराब है? गटरू चल दिखा तू, चल। मेरे पैसे। अरे हाँ रोशनी, इसमें तो सच में मेरे 10 लाख रुपए गायब हैं। साला मेरे पैसे कहाँ डाला चुरा के? साला दिखने में तो तू मजनू दिखता है, तू तो सकुनी निकला रे। अगर आज मैं टाइम पे नहीं आती ना तो आपको एक स्टार क्या, आपकी वर्दी उतरवा देता है गटरू। रोशनी कहाँ डाले इसने मेरे पैसे? अरे छाती पे छुपा के रखा है, ये देखो। क्या छाती पे लगे रही है, नोट लगा के रखा छाती में, आपके पैसे चुरा के भाग रहा था ये। साले ने ग्लास के अंदर टेप से चिपका लिया पैसे मेरे। दे इधर पैसे, ये देखिए आपके 10 लाख रुपए इधर है। क्यों किया तूने गटरू ऐसा? साला जिस थाली में खाता है उसी थाली को चुराता है। तो क्या करता मालिक, आपने मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, तो इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने पगार नहीं दी तो तू चोरी करेगा? तुझे पता नहीं है क्या मैं चुलबुल दरोगा हूँ, अंदर से बहुत कड़क हूँ। अब तो मैं तुझे जेल की हवा खिला के रहूंगा। मालिक ऐसा मत करिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे? गटरू क्यों झूठ बोल रहा है, इसकी तो शादी ही नहीं हुई है। अरे वो मालिक मैं खुद ही बाल बच्चे जैसा हूँ। गटरू तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाती।
कोई बात नहीं, इस बार इसे माफ कर दीजिए। अगर अगली बार इसने ऐसा किया ना तो मैं खुद ही इसकी जान ले लूंगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो इसको मैं माफ कर देता हूँ, पर कटरू गिलास से सारे पैसे निकाल और मालकिन को दे। सारे पैसे निकाल दिए मालिक। और हाँ, अरे गिलास भी लो उससे, गिलास लेके जा रहा है। अब जा, अब करियो अगली बार ऐसा, नसे तोड़ूंगा तेरी। अगली बार पिन की जगह जहर मिला के खिला दूंगा कंजूस कहीं के। और आप लोग को अगला भाग चाहिए, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।